हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है शाहरुख खान की फिल्म पठान सुपर हिट हुई। सुपर हिट क्या कहें, एक बड़ा हिट हुआ है और 500 करोड़ से ज़्यादा उसने बिजनेस किया है। यह फिल्म 25 जनवरी 2023 में रिलीज हुई है और अभी तक शायद सिनेमाघरों में चल रही है। आखिर ये हिट क्यों ही हुई, इसका मैं आपको कारण बताऊंगा कि इतना बड़ा एक हिट फिल्म कैसे हुई है पठान, जबकि इतना ज़्यादा इसके लेकर प्रोपगंडा हुआ, हलचल मचा, फिर भी ये फिल्म हिट हो गई। देखिए, सन 2018 से 23 तक शाहरुख खान की जितनी भी फिल्में आई वो फ्लॉप रही, बुरी तरह फ्लॉप रही, जिसमें डियर जिंदगी, फैन, हरी मेट सैजल, रईस और आपका एक आध और फिल्में हैं जो इसकी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। फ्लॉप होने के बावजूद भी 2023 में 25 जनवरी की जब इसकी टीजर रिलीज हुई पठान की, तो बहुत सारा प्रोपगंडा और हलचल मच गया पूरी दुनिया में, और न्यूज़ चैनलों पर, सोशल मीडिया पर तो मंथन चलता रहा कि ये फिल्म को पूरी की पूरी तरह से बायकट करना है, बहिष्कार कर देना है, इस फिल्म को सिनेमाघर में चलने नहीं देना है, सिनेमाघर में आग लगा देना है, और पोस्टर भी जलाई गई, बहुत सारी चीज़ जलाई गई। इसी बीच बंदे का स्टेटमेंट आता है, शाहरुख खान का स्टेटमेंट आता है कि अपनी कुर्सी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट, इतना अच्छा स्मार्टनेस कॉन्फिडेंस में दिखा, इतना कुछ होने के बावजूद भी, चार फिल्में फ्लॉप होने के बावजूद भी, डियर जिंदगी, फैन, जब हरी मेट सैजल, बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई, इसकी चार फिल्में हुई, फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी, बोला कि मौसम बिगड़ने वाला है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, अपने धैर्य को बनाए रखा। जहां पर लगातार 10 दिन तक बहुत चर्चे हुए, पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ था इस फिल्म को लेकर, बॉयकॉट हो रहे थे, बहिष्कार हो रहा था, इसका वो जल रहा था, लेकिन बंदे चार फिल्म देने के बावजूद भी इस बंदे का कॉन्फिडेंस वही था कि मेरा फिल्म सुपर हिट होगा। तो ये स्मार्टनेस होती है अपने कॉन्फिडेंस को शो करने के लिए। हजार परिस्थितियां इसके सामने आई इस बार, फिर भी ये डटा रहा, अटल रहा अपने बातों पर, बशर्ते ये फिल्म जिस प्रकार से भी हिट हुई हो, चाहे लोगों ने करवाया है, चाहे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी थे इसको करवाए, लेकिन उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। चार फिल्म देने के बावजूद भी, इतना बॉयकट बहिष्कार होने के बावजूद भी ये अपने जगह पर अटल रहा कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करूँगा, चाहे परिस्थितियाँ, चाहे जो भी हो। फिर इसकी सिनेमा आज के डेट में हिट हो गई है। तो ये होती है स्मार्टनेस अपने कॉन्फिडेंस में, अपने आप को लेकर ये बंदा काफ़ी कॉन्फिडेंस है, जिसका नाम है शाहरुख खान। तो इसी तरह सभी को होना चाहिए कॉन्फिडेंस, इस लेवल पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे जितनी भी हार पीछे मिली हो, चार फिल्में फ्लॉप हो, पांच फ्लॉप हो, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए ज़िंदगी में, चाहे जितनी भी परिस्थितियाँ हैं, खराब से खराब जो भी सिचुएशन है। जिंदगी दाव पर लगी थी इसकी, बर्बाद होने वाला था, फिर भी इसने अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं किया, इसी कॉन्फिडेंस की वजह से इसकी फिल्में चली। और पाकिस्तान में तो ये भारतीय सिनेमा चलता भी नहीं है, फिर भी वहाँ से गैर कानूनी रूप से पाकिस्तान में इसकी फिल्में देखी गई। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस यही था कि अपनी कुर्सी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तो ये होती है स्मार्टनेस अपने कॉन्फिडेंस में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।